हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। और आज का दिन आप वैसा ही देख सकते हो, बहुत गर्म। एंड गाइस, ये वाला टी शर्ट आप देख सकते हो, गर्मी में पहनने के लिए बहुत मज़ा है। वाइट कलर और ऊपर से बहुत बड़ा है। और ये टी शर्ट जो मुझे दिया है बटरफ्लाई की बहन ने, और दो दिन से यही पहन रहा हूँ क्योंकि गर्म है तो इसके लिए, और इससे गर्मी थोड़ा सा दूर होता है। दूसरा कपड़ा पहनने से बहुत गर्म होता है। और गाइस, आप देख सकते हो अभी ये इतना छोटा था ना गाइस, हम आपको जब दिखाया था, बट ये अभी इतना बड़ा हो चुका है और ऊपर में तो और भी बड़ा बड़ा हो चुका है ये पकने। और ये वाला और ये सब जो है ना गाइस, इसको बाद में जब बड़ा हो जाएगा तोड़ के रख दिया घर पे, लेकिन ये सामने वाला को तो हम सब्जी बना के खाएगा। इतना दिन से बोल रहा हूँ बट समय नहीं मिलता है, बट इस बार पक्का। लेकिन ये वाला खाने मन नहीं, क्योंकि ये बहुत सामने है तो देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सो इसको नहीं खाऊँगा, दूसरा अलग देख लूँगा, ऊपर में से तोड़ लूँगा। और गाइस, हम लोग का ये वाला पंखा हो गया ख़राब, या कल बटरफ्लाई इसको बाहर निकाल दिया बिकॉज यहाँ से आग निकल रहा था, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा अंदर में, इसके लिए इसको बाहर निकाल दिया। बट बटरफ्लाई को मैंने बोला हूँ इसको बनाया जा सकता है, सो आज नहीं तो कल इसको लेके जाना पड़ेगा मिस्त्री के पास में या मैकेनिक, वो बनाएगा। अब देख सकते हो बहुत गर्मी, बहुत टू मच, हद से ज़्यादा। इसके लिए बोलता हूँ, इसके लिए फ्रेंड्स डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है हम सबको। डिफॉरेस्टेशन हम लोग जितना करेगा ये गर्मी उतना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस, बितुल का बाइक, बिकॉज जाने वाला दिन को बितुल ने बोला था मेरा बाइक को थोड़ा अच्छा से रखो, डिसकलर हो जाएगा बोल के, इसके लिए इसको बढ़िया से ढक के रख दिया। अभी चलते हैं अंदर बिकॉज बर्दाश्त से बाहर है गर्मी जो। Oh my God, अंदर में ठीक है, थोड़ा ठंडा है। ये पंखा नया वाला, वो खराब होने के साथ साथ इसको लेके आया। आप लोगों को गर्मी पसंद है ना ठंडा, कमेंट कीजिएगा गाइस। मुझे गर्मी पसंद नहीं है, थोड़ा पसंद नहीं है, मुझे लगने से बर्फ गिरो मुझे वही ठीक है। लेकिन हर किसी का चॉइस अलग होता है। जिसका वहाँ पे बर्फ़ गिरता है वो लोग सोचता है कि हम लोग यहाँ में धूप देने से ठीक है बोल के, और हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम लोग यहाँ में थोड़ा बारिश दो, थोड़ा धूप दो, लेकिन क्या बोलेगा, जिसके पास जो चीज़ नहीं होता है उसी का डिमांड करता है। लेकिन भगवान को मालूम है क्या देना है क्या नहीं देना है, सो उसका ऊपर में छोड़ देते हैं। और जो देना चाहता है वही देगा, और उसी को हम लोग हंस हंस के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो गाइस, सब लोग वीडियो में बने रहो, थोड़ी देर के बाद दोबारा मिलते हैं। गाइस, अभी जस्ट नहा के आया हूँ, नहा के मीन्स पानी थोड़ा बदन में एक दो बार डाल दिया। पानी का यहाँ पे बहुत क्राइसिस है, समय में पानी जो आता है। एंड सो बटरफ्लाई का जूसेस पिलाओ यार, फ्रिज में क्या है पिलाओ, मिट्टी डाल रहा है क्या? दरवाजा बंद कर दो, वो पीछे का इतना साउंड सुनाई दे रहा है, बैं 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 बैं। ओह माय गॉड, मजा गाइस, तो नहीं पिएगा गाइस। आप देख सकते हो वहाँ में चल रहा है काम, इसी का साउंड सुनाई देता है। और दरवाजा बंद कर, साउंड को इग्नोर कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो जो आपको पहले ड्रेन जो दिखाया था वही ड्रेन जो बना रहा है। गर्म तो मत बोलिए गाइस, अंदर तो है बाहर में तो कुछ ज़्यादा ही है बाहर में। सो फ्रेंड्स, हो गया है टाइम लंच करने का, अराउंड तो लंच का टाइम पार हो गया, अभी 3 बज रहा है समथिंग, ऐसा कुछ हो रहा है, अराउंड 3-4 ऐसा कुछ हो रहा है, मालूम नहीं है। लेकिन दिन में खाना खाया नहीं था तो इसके लिए अभी खा रहा है। और यस्टरडे बटरफ्लाई ने मेरे लिए बढ़िया सा चिकन वाला रेसिपी जो बनाया था, और आज इसके लिए मेरे तरफ से बहुत दिन हो गया कि बटरफ्लाई को खिलाया नहीं है, सो मेरे तरफ से मैं बटरफ्लाई को आज बनाया हूँ, लेकिन बहुत सिंपल रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, और देख सकते हो ये है कैबेज करी विथ टमेटो, और कैबेज बहुत बड़ा बड़ा से कैबेज बनाया गाइस, बड़ा से। और इसको बॉयल किया, उसके बाद में टमेटो का ग्रेवी रेडी किया, उसमें डाल दिया उसको। और यहाँ में अंडा बॉयल किया, 4 पीस किया, 2 पीस उसका 2 पीस मेरा गाइस। और यहाँ पे कैबेज भी 4 पीस है, 2 पीस उसका 2 पीस मेरा। और ये वाला रेसिपी गाइस, आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग बताइएगा ये वाला। ओह माय गॉड,
मुझे तो बहुत मज़ा लगता है। बटरफ्लाई को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आई होप अच्छा लगना चाहिए। प्लीज क्या है रे, खा के दिखाओ। अरे तू कौन खाओ रे, ये तो इसका फेवरेट है ना फ्रेंड्स, इसके लिए इसको याद दिलाया, भूल भी सकता है, बट भूलता नहीं है, फिर भी दे दिया हम। ओह माय गॉड, कैबेज खा के दिखाओ। एंड गाइस आप लोग वीडियो में बने रहो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ मेरा खाना। गाइस मेरा प्लेट हो गया रेडी, मुझे तो ऐसा वाला डिश बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जंगल में बहुत बना के खा रहा था। एंड गाइस मेरा खाना स्टार्ट करता हूँ, बहुत थोड़ा सा भूख मुझे भी लग रहा है, बटरफ्लाई स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, सो मैं भी अपना खाना स्टार्ट करता हूँ। सब्जी तो ढाल है फिर भी बटरफ्लाई किंग चिली साथ में खा रहा है। एंड गाइस आप लोग वीडियो में बने रहो, तब तक मेरा खाना मैं खत्म करता हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएम ब्लॉग्स। तो मैं आज इन लोगों के घर पे बिन बुलाया मेहमान बिन बुलाया मेहमान, मैंने अपने आप को खुद इनवाइट किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो नामसाई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ तो आज हम वही कर रहे हैं कि मतलब फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो मैंने बोला कि मैं घर पे आ रहा हूँ ज़बरदस्ती, तो इसने बोला कि गेट बंद है मत आओ तो मैं जंप करके आ गया। वैसे हाँ मैं इन लोगों को पहले से जानता हूँ, आई मीन मैं दिल्ली में जब था, मेरा जब यूट्यूब में था तब से मैं इन लोगों को जानता हूँ और इन लोगों को फॉलो करता हूँ, और बाकी मोनू वगैरह तो दोस्त है ही, तो मैंने सोचा कि मतलब अगर वो लोग दोस्त बन ही गए तो हम भी क्यों नहीं बन सकते, है कि नहीं? ऑब्वियसली। तो इसीलिए हम इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, और वही है ये हमारी दोस्ती की लाइक शुरुआत है, आगे फिर हम मिलते रहेंगे। और आप लोगों का ब्लॉग है लेकिन मैंने हाईजेक कर लिया, आई एम रियली सॉरी। और गाइस पीछे का जो बात है दिन का वो बोला नहीं है, वो सरप्राइज कैसा हुआ, हम गया था कुछ काम से, कुछ सामान लेने के लिए गया था मार्केट, सो वहाँ से हम जस्ट अपना बाउंड्री घुस गया, तो वहाँ पे एक लेबर था, तो लेबर जो हमको बुलाया, भैया आपसे कोई मिलना चाहता है, बुला रहा है, और मिलना चाहता नहीं बुला रहा है आपको बुला, तो हम भी से कौन है बोल के, तो हम भी गया वहाँ पे, ग्लास उठा हुआ था और मास्क लगाया हुआ था। वही मेरा आइकॉनिक हुआ है, आप लोग गाली देते रहते हैं ब्रो, जो मास्क लगाया हुआ था, उसके बाद मैं साथ वो भी उतरा, तो हम भी दिमाग में कुछ और था, हाँ पहचाना है बोला, तो हम भी हाँ नहीं पहचाना, क्योंकि जो वीडियो में देखा था फेस जो थोड़ा फुला हुआ था और इस बगल सामने से थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा सॉफ्ट है, उसमें थोड़ा मोटा और हट्टा कट्टा था, तो हम भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, ऊपर से दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। उसके बाद में चलो वो अपना थोड़ा सा बताया, उसके बाद हमको समझ में आ गया, क्योंकि वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुका था, और झूठ नहीं बोलेगा हम दिन में को वेट किया आएगा होगा बोल के, बट आने में थोड़ा लेट हो गया, और माधीपुर जाएगा बोल के बोला था कुछ काम से, आधार का काम से, और यहाँ भी बटरफ्लाई वो भी। तो क्या हो गया रे, क्या सोच के देख बैठ रहे हैं आपको तो देख रहे सो गाइस बहुत अच्छा लगा दुर्लभ चैनल, ये भी एक ब्लॉगर यूट्यूबर है, तो हम तीनों साथ पे ये शाम इवनिंग को बात करके इंटरेक्ट करके फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है हम तीनों एक साथ में, सो बहुत अच्छा लगा गाइस। तो ये
दुर्लभ भाई ने बोला था कि ये दोस्ती की फर्स्ट निशानी है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम फर्स्ट डेज, आगे जाके हम अच्छा से कोऑपरेट करेंगे और अच्छा से यू नो बॉन्ड अच्छा से रखेंगे और मजा मजा वाला वीडियोस आने लाइक गाइस, सो आप लोग वीडियो में बने रहो। गुड नाइट बोलने का समय आ गया बहुत इमरजेंसी में मतलब ना हम तो वही है। अगर मेरा ब्लॉग आप एमएम के जो सब्सक्राइबर्स है उसमें से अगर कोई मेरा ब्लॉग देखता है तो उसको पता होगा कि मतलब मेरा RX100 बाइक दे रखा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा इमरजेंसी हो रखा है। वैसे इन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब तो आना जाना लगा रहेगा हमें भी बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जरूर और ब्लॉग मजा मजा वाला बनाएंगे। हां हां जरूर जरूर। एंड गाइस वो जो बितुल को विंग्स जो रेसिपी दिया था वो ट्रेन में झारखंड जाते समय, और वही वाला बहुत खाने दिल ने बोला, और जल्द से जल्द मैं भी चाहूंगा कि दोबारा जल्दी आए और मैं बना के बढ़िया से खिलाऊंगा। और हम लोग एक दिन वहाँ चलेंगे रिवर साइड पिकनिक करने चलेंगे। ओके ब्रो, घर से पका के ले जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ घर से पका के ले जाने से इजी होगा। एंड गाइस आप लोग वीडियो में बने रहो, दोबारा जल्द से जल्द मिलते हैं। सो फ्रेंड्स दुर्लभ से मिलके बहुत अच्छा लगा, उनका भी चैनल है, सो आज कोइंसिडेंटली दोनों मिल गया रास्ते पे, और वो अब बोला वो कमिटमेंट दिया था कि वो आज आएगा बोल के और दिन में आएगा बोल के बोला था, बट आते आते उसका थोड़ा लेट हो गया, बहुत सारा काम था बोला, लेकिन वो अपना कमिटमेंट को तोड़ने के लिए नहीं दिया और पहुँच गया वो शाम को सरप्राइज लेट। सो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा वो आया बोल के, उसके बाद बहुत सारा बात किया हम लोग बैठ के, और वो बोल के गया है यही किचन में मुझे भी खाने के लिए दिले, और सो साथ ही साथ मैंने भी उनको इनवाइट किया कि आप जल्द से जल्द दोबारा आप जब आओगे, क्योंकि कल वो जा रहा है अपना घर, और जब आओगे तो सबसे पहले मुझे कॉल करना और यहाँ पे बना के खिलाएंगे आपको बढ़िया वाला डिश जो, और वो बोल रहा था बितुल को जो बना के दिया था वही वाला डिश उसको बहुत खाने दिया बोल के, चिकन विंग्स था वो वाला डिश जो, तो वही वाला उनको बना के बढ़िया से खिलाएंगे। और आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्द से जल्द दोबारा दूसरा ब्लॉग पर मिलते हैं। बाय बाय गाइस।